आपकी जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह के कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनेक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। जिसके बारे में एक्सपर्ट के रूप में जानकारी देंगे हमारे वाराणसी के जाने माने वरिष्ठ डायबिटीज व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी सिंह जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने जो है अपना ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से आपने पूर्ण किया और वहीं से जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमडी मेडिसिन आपने वहीं से किया और उसके उपरांत लगभग जो है 25 वर्षों से वाराणसी में जो है विंध्यवासिनी नगर में आपका अपना नर्सिंग होम है जहां पे लगातार मरीजों की सेवा आप कर रहे हैं। और हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस ब्रांच है उसके आप जो है वहां के पूर्व अध्यक्ष यानी पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी जो है एपीआई के जो आप जो है वाराणसी चैप्टर के भी प्रेसिडेंट हैं और हमेशा आईएमए में कई पदों पे को भी आप सुशोभित कर चुके हैं और हमेशा आईएमए के लिए एक्टिव भी रहते हैं किसी भी तरह का कार्य हो और जो है आप नेशनल इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं और जो भी जितने सीएमई होते रहते हैं अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं और आप जो है कभी कैंप वगैरह भी लगता है ग्रामीण अंचलों में तो उसमें भी अपना सहयोग देते हैं। और तब हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं सर कि जैसे कि डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये डायबिटीज़ क्या है और इसके कारण क्या हैं, निदान कैसे करते हैं और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे या फिर लोगों को ना हो। डायबिटीज़ के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के बारे में सब लोग जानते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन से भी शुगर जाने लगता है, ये टेस्ट से पता चलता है। और इसमें जो हमारे सिम्टम होते हैं उसमें आपका वेट घटना, बार बार प्यास लगना और यूरिन में इन्फेक्शन होना तथा बॉडी में कोई भी अंग में अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसमें जल्दी उसका निदान न होना, उस समय ब्लड शुगर का जांच होता है जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है और वो भी बढ़ा रहता है तथा खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर होता है वो भी बढ़ा रहता है, तब पेशेंट की डायग्नोसिस डायबिटीज़ में के रूप में होती है। इसकी वैल्यू जो भी फास्टिंग ब्लड शुगर है अगर वो 123 मिलीग्राम से ऊपर फास्टिंग शुगर और 200 से ऊपर पोस्ट पैरेंडियल
अगर ब्लड शुगर पाया जाता है तो पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज किया जाता है। जी जी, और जैसे अधिकतर ये देखा जाता है कि किसी को कोई सिम्टम भी नहीं रहता है और कभी जैसे कि वो चाहता है कि हम अपना ब्लड टेस्ट करा लें तो उसमें पता चलता है कि उसका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है, तो कभी कभी बिना सिम्टम के भी ब्लड शुगर डिटेक्ट होता है। जी, और आज मैं इस मीडिया के माध्यम से हर डॉक्टर के थ्रू आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि 30 और 35 साल की अवस्था के बाद एक बार फास्टिंग और पोस्ट पैरेंडियल जो कि खाने के 2 घंटे बाद का शुगर है अवश्य कराना चाहिए। उसमें अगर 100 से 120 और 160 से 180 अगर आता है या 140 से 160 ये जो वैल्यू है ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज बोलते हैं, जो केसेज बहुत ज़्यादा 2/3 या 1/3 पॉपुलेशन जो इस इम्पेयर्ड ग्लूकोज के हैं वो अपने को डायबिटीज से बचा सकते हैं। जी, अगर उनका वेट ज़्यादा है, अगर उनकी खास तौर से फैमिली हिस्ट्री है, वो अपने को प्रिकॉशन लेकर के इम्पेयर्ड फास्टिंग और इम्पेयर्ड पोस्ट पैरेंडियल ग्लूकोज जिसकी वैल्यू 100 से 120 और 140 से 160 ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, इससे अगर अपने को बचाव करे, उसके लिए अपना वजन नियंत्रित करे, खान पान में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करे, हाई प्रोटीन इंटेक ले, मॉर्निंग वॉक करे, वेट रिडक्शन करे, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज को नॉर्मल ग्लाइसीमिया या नॉर्मल शुगर लेवल में ला सकता है। ऐसे पेशेंट का कन्वर्जन डायबिटीज से रोका जा सकता है। जी जी, और ये डायबिटीज कितने प्रकार का होता है? डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, एक जुवेनाइल डायबिटीज जो कि बच्चों में से लेकर के और 30 साल की अवस्था तक में पाया जाता है, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज में तो इसमें इंसुलिन नहीं निकलता है, ये टाइप 1 का डायबिटीज होता है। इसके ट्रीटमेंट में इंसुलिन ही थेरेपी होती है, इसमें कभी भी ओरल मेडिसिन को ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आप ओरल मेडिसिन देते हैं तो ऐसे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन कीटोएसिडोसिस और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ऐसे पेशेंट का शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। जो दूसरे तरह का डायबिटीज है वो मैच्योरिटी ऑनसेट, वो 35 से 65 साल या एज के अवस्था में पाया जाता है। इसका 2 प्रमुख कारण होता है, एक तो इंसुलिन का प्रोडक्शन में कमी होने लगती है। ऐसे पेशेंट में डायबिटीज कब अपीयर होता है? जबकि 50% बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है, जितना हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं वो इंसुलिन से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तब डायबिटीज अपीयर होती है। और दूसरा ये होता है कारण मैच्योरिटी आंसर डायबिटीज बड़े लोगों की डायबिटीज का, कि उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल रहता है मगर ओवरवेट की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन निकला हुआ भी यूटिलाइज नहीं हो पाता है, सर्कुलेटेड इंसुलिन भी वो ब्लड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में वेट ज़्यादा होता है, उनकी मसल्स उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से उनका इंसुलिन नहीं यूटिलाइज हो पाता है। ये दोनों कंडीशंस में पेशेंट्स को डायबिटीज अपीयर होती है। दूसरा जो मैंने पहले बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें काफ़ी कुछ वेट रिडक्शन एक्सरसाइज से इंसुलिन को प्रोडक्शन को सही होते हुए भी और डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, और जैसे कि क्या ये इसमें कोई महिला पुरुष में महिलाओं को ज़्यादा मतलब संख्या में होता है कि इंसिडेंस मतलब क्या है, मतलब मेल और फीमेल का? मेल फीमेल रेशियो में फीमेल में ज़्यादा डायबिटीज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर वेट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन, ये वेरियस हार्मोनल कुछ ऐसे कारण होते हैं जो डायबिटीज का इंसिडेंस फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। अदरवाइज मेल फीमेल रेशियो में डायबिटीज में बहुत वेरिएशन नहीं है। जी जी, और जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज का असर जो है शरीर के किन किन अंगों पे होता है? डायबिटीज का जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो वेरियस जहाँ पर कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रभावित होता है, 2 प्रकार से इनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी एंड मैक्रो एंजियोपैथी। बड़ी आर्टरी जैसे कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे कि हार्ट और दिमाग की नसें, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है,
तो उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, और दूसरा ब्रेन का सर्कुलेशन प्रभावित होता है जिसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, ब्रेन अटैक होता है। माइक्रो एंजियोपैथी जो खून की पतली नलिकाएं हैं जिन जो कि डायबिटीज से, एथेरोस्क्लेरोसिस से अवरोधित होती हैं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आई का डायबिटिक इन द फॉर्म ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हमारी नसों जो कि न्यूरॉन्स में जो ब्लड सप्लाई होती है उसके वजह से न्यूरोपैथी होती है जी। तो ये दोनों दोनों कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रीजन से होता है। इसको हम दो पार्ट में लेते हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी का इन्वॉल्वमेंट, डायबिटिक न्यूरोपैथी नर्व इन्वॉल्वमेंट, एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी आई इन्वॉल्वमेंट, एंड मेजर वेसल्स इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन लाइक थ्रम्बोसिस क्लॉटिंग होती है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी वजह से हार्ट अटैक और एंजाइना प्रॉब्लम होती है जी। और जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कि ओरल मेडिसिन दिया जाता है और कुछ दिन उनके शुगर कंट्रोल रहते हैं, बाद में कौन सी ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसको आप लोग जो है इंसुलिन के को भी ऐड करते हैं, किस अवस्था में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगती है? और ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि बहुत लोग जो इंसुलिन से बहुत उनको डर रहता है कि इंसुलिन एक आदत पड़ जाएगा, इंसुलिन काफ़ी नुकसान कर जाएगा, तो इंसुलिन का भी महत्व बताएं कि उनके डायबिटीज़ में उसका क्या महत्व है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन एकदम नहीं होता, उसमें तो इंसुलिन ही एकमात्र थेरेपी है जिसके वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इनिशियली काफ़ी ओरल मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, जिसमें कुछ दवाएं हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, कुछ दवाएं हैं जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन बढ़ाती हैं, मगर इनके बावजूद भी जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है वैसी स्थिति में पेशेंट को इंसुलिन सप्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो पेशेंट को इंसुलिन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ दिन के लिए भी इंसुलिन लग जाने से इंसुलिन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और बाद में फिर पेशेंट ओरल मेडिसिन पर हो जाता है जी। तो इसको शॉर्ट टर्म भी इंसुलिन देने से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और ख़ासतौर से पेशेंट ऑपरेशन की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को दिया जाना चाहिए। ट्रॉमा के केसेस में भी उनको डायबिटीज नहीं है लेकिन ट्रॉमा के बाद डायबिटीज हुआ तो फिर कंट्रोल होने के बाद ही कोई ऑपरेशन वगैरह हो। हाँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज होती है जी। उस दौरान पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ उसमें भी डायबिटीज, तो ये सभी शॉर्ट टर्म पेशेंट की हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज अपीयर होती है, जो कि बाद में इन्फेक्शन या ट्रॉमा सबसाइड करने पर पेशेंट इवन नॉर्मोग्लाइसीमिया हो सकता है, डाइट और एक्सरसाइज से भी उसका डायबिटीज कंट्रोल रह सकता है जी। और जैसे आजकल पहले की अपेक्षा जो है बहुत हृदय रोग जो है यानी कि हार्ट डिजीज काफ़ी कॉमन हो गया है, तो इसमें क्या प्रमुख बीमारियां हैं, कॉमन क्या हैं जिस तरह की बीमारियां आजकल देखने को मिलती हैं? हार्ट डिजीज की बीमारियों में जो सबसे कम मतलब दो प्रकार की होती हैं हम कह सकते हैं, एक तो हार्ट डिजीज इन चाइल्डहुड, उसमें आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जी और रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये जो कि बचपन में पाई जाती हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस हमारे कंट्री में काफ़ी कम हो गया है जी। ये पहले सोर थ्रोट इन्फेक्शन से होता था जी। उसमें पेशेंट को बार बार रिपीटेड सोर थ्रोट और स्ट्रेप्टोकॉकस जो बैक्टीरिया है उसके इन्वॉल्वमेंट से होता था ये स्ट्रेप्टोकॉकस विरिडन्स, तो उसमें रूमेटिक वॉल्व का कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता था जिसकी वजह से माइटल वॉल्व इवन जी एओर्टिक वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था जिसकी वजह से वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाता था जी। लेटर स्टेज में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस करके प्रेजेंट करता था जी। आज की डेट में रिपीटेड एंटीबायोटिक्स के यूज की वजह से ये सोर थ्रोट उतना कॉमन नहीं रह गया, जिसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है जी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कि बच्चों में पैदाइशी हार्ट के वॉल्व की प्रॉब्लम या उनके सेप्टल डिफेक्ट होते हैं जिसमें कि एओर्टिक एट्रिया एट्रिया के बीच में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये वेरियस मैनिफेस्टेशन करके बच्चों में प्रेजेंट करते हैं।
और जहाँ तक से हार्ट की बीमारी का जो एडल्ट में प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन बीमारी जो होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसको लेकर के सभी लोग परेशान रहते हैं। अपने डाइट कंट्रोल, अपने एक्सरसाइज, अपना वेट कंट्रोल की बार बार बाद में करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसमें इम्पॉर्टेंट है। जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें थ्रोम्बस बन जाने की वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जी, आज की डेट में हम सभी लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की बात जो बार बार की जाती है, जी, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से आर्टरी में डिपॉजिट होने से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जी, तो कौन कौन सी हृदय के लिए या हार्ट के लिए कौन कौन से प्रारंभिक जांचें हैं और किस अवस्था में कराना चाहिए, किस एज ग्रुप को कराना चाहिए और क्या मतलब उसके लक्षण आए कि वो हृदय के लिए यानी कि प्रारंभिक जांचें क्या हैं जिससे कि लोग ये जान जाएं कि हम पूर्णतया स्वस्थ हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए सबसे जो कॉमन है कि डायग्नोसिस बनना, उसके डायग्नोसिस किसी चीज़ का, उसके सिम्टम भी जानना जरूरी है। सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट को चलने में, एक काम करने में सीने में भारीपन और मोस्ट कॉमनली लेफ्ट आर्म में जो उसके होता है उसका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है, पेन का जो रिफर पेन उसको बोलते हैं वो लेफ्ट आर्म में होता है जी। और हार्ट डिजीज के बारे में सबसे जो बेसिक जांच होती है वो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जी। वो पेशेंट का करने से उसकी एक बेसिक आइडिया हो जाती है कि पेशेंट को ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं। इवन हार्ट अटैक अगर सीवियर चेस्ट पेन हुआ है तो वो भी ECG से डायग्नोस हो जाता है। ये सबसे एक कॉमन जांच है जो हर पेशेंट का, अगर कार्डियक इवैल्यूएशन कराना है तो उसका ECG होना चाहिए। दूसरा ब्लड से संबंधित टेस्ट है जो लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, LDL कोलेस्ट्रॉल है और HDL कोलेस्ट्रॉल है। ये तीनों कोलेस्ट्रॉल जो है ये इम्पॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल के अंदर है। LDL कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू 100 से कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू ऊपर है तो पेशेंट को कार्डियक डिजीज होने के ज़्यादा चांसेज हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से अबव है तो उसके भी एबनॉर्मलिटी है। और डॉक्टर से मिल करके कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा जो सबसे कॉमन इस समय अटरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन है, वो लेनी चाहिए जी। तो लिपिड प्रोफाइल, ECG और इसके बाद भी अगर ये दोनों पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, पेशेंट को बार बार चेस्ट पेन की हो रही है प्रॉब्लम, तो ट्रेडमिल टेस्ट, एक्सरसाइज ECG वो होना चाहिए। अगर ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव है तो पेशेंट को कार्डियक डिजीज की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है जी। जी, उसके बाद हमें किसी और जांच पर जाना चाहिए जी। जैसे कि आजकल 2D ECO, 3D ECO कार्डियोग्राम जो होता है, उसका क्या महत्व है जैसे कि हृदय जांच के लिए? ये हायर जांच में आता है 2D ECO कलर डॉपलर। इसमें हमारे तो वाल्व की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है वेरी इजीली, जैसे अल्ट्रासाउंड से हमारे सारे अंग दिख जाते हैं, उसी तरह से हमारे हार्ट के चारों वॉल्व, कोई भी सेप्टल डिफेक्ट जो मैंने अभी बात कर रहे थे, वो 2D ECO कलर डॉपलर से दिख जाएंगे, कलर फ्लो पता चल जाएगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी कलर डॉपलर से, इको से पता चल जाता है जी। जिस वॉल्व का इन्फीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, सेप्टल वॉल, जिसका ब्लड सप्लाई इम्पेयर रहता है जी। उस वॉल की मोशन की एबनॉर्मलिटी से भी 2D ECO कलर डॉपलर से हमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट को इस्कीमिया है या इन्फेक्टेड एरिया है जी। और जी, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय जो अपग्रेडेड टेस्ट है CT NGO है जी। जिसके वजह से जो एंजियोग्राफी और CT के वेरियस लेवल से देख करके उसमें इन्फार्क्ट एरिया और कोरोनरी आर्टरी की कंडीशन देखते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। वैसे इन्वेसिव जैसे कि एंजियोग्राफी की जरूरत कब महसूस करते हैं, किस तरह के पेशेंट को एंजियोग्राफी कराना जरूरी हो जाता है? जो भी पेशेंट जिसमें कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज डायग्नोज हो गया, जिसके ECG, TMT और ये पॉजिटिव आ गया जी, जो इस्टेब्लिश केस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हो गया, उस केस में हमें एंजियोग्राफी करके उस पेशेंट का फर्दर इवैल्यूएशन के लिए, अगर उसकी पर्टिकुलरली कोई लेफ्ट
इंटीरियर डिसेंडिंग या इम्पोर्टेंट कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है तो उस केस में एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए जी, ताकि उसके फर्दर एमआई न हो जी, या अगर एक बार एमआई हो चुका है तो पोस्ट एमआई रिवेस्कुलराइजेशन बढ़ाने के लिए उसको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी जी। आपने बताया एमआई मतलब कि जो है एमआई यानी हार्ट अटैक, अटैक आजकल हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन है और उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं और उस तरह के मरीज को किस तरह से उनके परिजनों को जो है चिकित्सक के पास कैसे पहुंचना चाहिए, अस्पताल तुरंत क्या करना चाहिए त्वरित। हार्ट अटैक का मतलब कि सीने में बहुत तेज दर्द, पहले से पेशेंट का प्रॉब्लम अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड ये सारी चीज़ें रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग के साथ है, प्रोलॉन्ग कर रहा है मोर देन हाफ एन आवर, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए, वहाँ उसकी तुरंत ईसीजी होनी चाहिए। अगर उसमें हार्ट अटैक होता है तो उसको आईसीयू कोरोनरी केयर यूनिट में एडमिट करके उसका इलाज होना चाहिए जी। कोरोनरी केयर यूनिट में जाने से अगर एमआई का पेशेंट है उसको इमीडिएटली स्टेप्टोकाइनेज थेरेपी लग जाने से उसका रिवेस्कुलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट मायोकार्डियल कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में कम होता है जी। तो हमारे बनारस के दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज़ के मरीजों को किस तरह से सावधानियां बरतना चाहिए और हृदय रोगी जो हैं उनको किस तरह से अपने जीवन में बर्ताव रखना चाहिए जिससे कि वो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहे और हृदय रोग कंट्रोल रहे या दोनों चीज़ ना हो। पहले तो डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो हर महीने अपना ब्लड शुगर कराएं, जो दवा ले रहे हैं उसे नियमित लें, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के सिम्टम उन्हें पता होना चाहिए। सबसे ख़तरनाक जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है उसमें पेशेंट को एकाएक पसीना आना, चक्कर आना और किसी भी कारण से अगर भोजन नहीं लिया है और दवा ले लिया है तो उसके चांसेज हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया ही हुआ होगा। ऐसे में पेशेंट को तुरंत अपना ब्लड शुगर कराना चाहिए और पेशेंट को आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर के पेशेंट के लिए जांच हो गई है वो HbA1c है, वो हर 6 महीने पर कराना चाहिए। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि पेशेंट का पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल HbA1c से पता चलता है, क्योंकि ये टेस्ट RBC लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। 120 दिन के बाद हमारा RBC डैमेज होता है जी। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं जी। ये पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल इससे पता चलता है शुगर कंट्रोल है कि नहीं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार आपका HbA1c लेवल अगर 7 है तो पेशेंट का शुगर आइडियली कंट्रोल है जी। तो हर 6 महीने पर पेशेंट का HbA1c होना चाहिए, ये लेटेस्ट टेस्ट में है और इससे पेशेंट का पिछला बैकग्राउंड और उसका कंट्रोल के बारे में पता चलता है जी। और हर डायबिटिक पेशेंट को भी 6 महीने में एक बार अपना ECG करा लेना चाहिए। ECG डायबिटिक पेशेंट को कराना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें साइलेंट MI और इस्कीमिया होने के चांसेस होता है। कभी कभी केवल डिस्कम्फर्ट फील होता है डायबिटिक पेशेंट को और उसे इन्फार्क्शन जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक वो हो चुका होता है, वो केवल ECG से पता चलता है जी। तो उसके बेसिक जांच में शुगर के साथ साथ ECG भी उसको कराना आवश्यक है। और इसके अलावा पेशेंट को अपना लिपिड प्रोफाइल हर 6 महीने पर कराना जरूरी है। डायबिटीज के वजह से भी उसका लिपिड एबनॉर्मलिटी बढ़ती है और डायबिटीज पेशेंट को अगर लिपिड एबनॉर्मलिटी है तो उसके हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लिपिड एबनॉर्मलिटी है तो पेशेंट को अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उसे भी कंट्रोल कराना चाहिए जी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है तो इंसुलिन लेना आवश्यक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और किस समय दवाओं के साथ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ दिन नियमित रहने से फिर इंसुलिन हट जाता है और इंसुलिन लेने से कोई नुकसान नहीं है और जो है कि उससे कोई घबराना नहीं चाहिए,
अपने चिकित्सक पे पूरे विश्वास से इलाज कराना चाहिए अपने डायबिटीज का। किसी भी हाल में डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए। और हृदय रोगियों के लिए क्या करना चाहिए, कब जांचें कराना चाहिए। डायबिटीज मरीज हैं तो ECG जरूर, डायबिटीज जो ब्लड शुगर के साथ ECG भी करा लेना चाहिए। और हमेशा जो है व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और आपको ज़रूर इससे लाभ मिला होगा। और समय अभाव के कारण इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।